कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में बदलाव हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई पॉलिसी शनिवार को जारी की है। नए बदलावों के तहत हल्के मामलों में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। पेशेंट में कोई लक्षण ना दिखने और हालात सामान्य लगने पर 10 दिन में भी अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को अब 14 दिनों के बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। 14वें दिन टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मरीज का फॉलो अप किया जाएगा। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है या बहुत हल्के नजर आ रहे हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा, जहां उन्हें रेगुलर टेम्परेचर चेक और पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। अगर 3 दिन बाद बुखार ना आया हो तो मरीज को 10वें दिन डिस्चार्ज किया जा सकता है। उससे पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी। डिस्चार्ज के वक्त मरीज को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने को कहा जाएगा। डिस्चार्ज होने से पहले अगर कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से नीचे रहता है तो मरीज को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर ले जाया जाएगा। थोड़े गंभीर लक्षण दिखने वाले मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेड्स पर रखा जाएगा। उन्हें बॉडी टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक्स से गुजरना होगा। अगर बुखार 3 दिन में उतर जाता है और मरीज का अगले 4 दिन तक सैचुरेशन लेवल 95% से ज्यादा रहता है तो मरीज को 10 दिन के बाद छोड़ा जा सकता है। लेकिन बुखार, सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग से नहीं गुजरना होगा। ऐसे मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें क्लिनिकल सिम्टम्स दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। लगातार 3 दिन तक ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रखने वाले मरीज ही डिस्चार्ज होंगे। इसके अलावा HIV पेशेंट्स और अन्य गंभीर बीमारियों वाले पेशेंट्स को क्लिनिकल रिकवरी और RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। मरीज को छुट्टी मिलने के बाद 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। अगर बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण डेवलप हो रहे हैं तो मरीज को कोविड केयर सेंटर या स्टेट हेल्पलाइन या फिर 1075 पर कांटेक्ट करना होगा। 14वें दिन मरीज का फॉलो अप टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।